हेलो, आज हम लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइज़र मॉडल SL30 को अनबॉक्स करेंगे और उसके बेसिक फंक्शंस और फीचर्स को समझेंगे। इसको फैट टेस्टिंग मशीन भी कहा जाता है और मिल्क एनालाइज़र भी कहा जाता है। ये अनबॉक्स करते ही ये हो गई बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये पावर अडेप्टर वाइट कलर के बॉक्स में, ये लैक्टो वीकली रेड कलर का वीकली क्लीनिंग सोल्यूशन, ब्लू कलर का डेली क्लीनिंग सोल्यूशन एंड 2 कप्स हैं। ये प्रिंटर का केबल है, अगर आपको मशीन से प्रिंटर को अटैच करना है वो भी कर सकते हैं। ये पावर केबल मेन और ये पावर केबल मशीन से स्टरर को चलाने के लिए। और अब ये जो है ये आपकी मेन मशीन है। और ये मशीन का बैक पोर्शन है, इसमें पीछे सारे पोर्ट्स हैं। ये सारी एक्सेसरीज हैं एक साथ। ये मशीन का फ्रंट व्यू है, फ्रंट पोर्शन। और एज यू कैन सी ये मेड इन बुल्गारिया है, मिलट्रोनिक कंपनी की ये ओरिजिनल मशीन है। अब मशीन को स्टार्ट करने के लिए पावर अडेप्टर से हमने जोड़ा। पीछे 2 पोर्ट हैं इन आउट के, इन अपन ने पावर इनपुट में दिया और उसके बाद मशीन स्टार्ट की। और ये हो गई स्टार्ट। अब मशीन जैसे आप स्टार्ट करेंगे एक 10 सेकेंड उसको टाइम लगता है बूट होने में, तो गेटिंग रेडी करके लिखा हुआ आएगा। फिर जैसे ही रेडी हो जाएगी मशीन में लिखा रहेगा रेडी टू स्टार्ट। आज हम अमूल ताज़ा के दूध के पैकेट का सैंपल टेस्ट करेंगे। अब हम मशीन को टेस्ट करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखें कि मशीन को कभी भी खाली नहीं चलाना है। खाली चलाने से मशीन में एयर आ सकती है जिससे मशीन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये हमने मशीन में सैंपल को लगाया और सैंपल लगाने के बाद सेंटर बड़ा वाला बटन एंटर बटन जो है उसको प्रेस करके होल्ड करना है। जैसे उसको छोड़ेंगे मेन्यू खुलेगा, आपको सिलेक्ट करना है काऊ, बफलो या मिक्स मिल्क। अप और डाउन बटन दिया है, अपन आज मिक्स मिल्क सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अमूल का पैकेट दूध अपन टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद एंटर दबाना है। फिर वी हैव टू वेट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स भी लग सकता है। और उसके बाद ये आ गया रिज़ल्ट। अब इसमें दिखा रहा है अपने को F मतलब फैट, D मतलब डेंसिटी, L मतलब लैक्टोज, S SNF प्रोटीन और वाटर।